Assalamu alaikum everyone. A very, very good morning to all of you. And I hope you all are doing well. So here is my new vlog. अच्छा जी, तो first मैं आप लोगों को बता दूं कि काफी दिन से मुझे viral हुआ हुआ है जिसमें flu और cough मुझे जा ही नहीं रहा, जिसकी वजह से मैं vlog नहीं कर पा रही थी. पहले थोड़ा busy routine था, उसके बाद मुझे viral हो गया तो बस vlog आ नहीं सका. मैं अपनी आवाज़ ठीक होने का wait कर रही थी लेकिन अब नहीं हुई तो क्या करें, vlog तो करना ही है. तो बस अब आपको मेरी थोड़ी सी ऐसी ख़राब आवाज़ सुननी पड़ेगी. ऑलमोस्ट सभी लोगों को ये वायरल हो रहा है तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी सेफ एंड वियर मास्क. अल्लाह ताला सबको अपनी ज़मान में रखे, आमीन सुमा आमीन. सो व्लॉग स्टार्ट करते हैं. तो आज सैटरडे था और मैं स्कूल आ गई हूँ. वैसे मोस्टली सैटरडे ऑफ होता है लेकिन ये वाला ऑन था. फिर नाश्ता नहीं करके आए थे हम लोग घर से, तो फिर यहीं आके हम लोगों ने नाश्ता ऑर्डर कर दिया था. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी कोई क्यूट, इतनी क्यूट बातें करती है ये. सुबह सुबह थोड़ी मूडी हुई थी लेकिन अभी सेट हो गई थी. अबे मैं इतना खुश क्योंकि मुझे तो स्कूल में खिलौना मिल गया था खेलने के लिए. प्रीवियस व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि घर की शिफ्टिंग हुई है, तो बस जो जो मैं रिकॉर्ड कर सकी आज इसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड. एज़ यू ऑल नो कि शिफ्टिंग आसान नहीं है और बाबा या नहीं थे तो बिल्कुल भी आसान नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गई है. बस जो जो मैं रिकॉर्ड कर सकी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. काफ़ी बिजी डेज रहे ये, इसलिए मैं इतने टाइम से व्लॉग भी नहीं कर पा रही थी. आप लोग मुझसे पूछ भी रहे थे व्लॉग क्यों नहीं कर रही, तो बस यही कुछ रीजंस थे जो भी आप लोगों को दिख रहे हैं और आगे के व्लॉग्स में भी दिखेंगे. तो प्लीज़ सपोर्ट चाहिए मुझे आप लोगों की बहुत. इफ़ व्लॉग लेट हो जाए तो प्लीज़ अंडरस्टैंड क्या करें. जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा कभी नहीं होगा कि व्लॉग्स आना बंद हो जाए. हाँ लेट हो सकते हैं लेकिन बंद नहीं होंगे, इसलिए बस स्टे कनेक्टेड, सपोर्ट करें जैसे आप लोग करते आए हैं. जो मेरे डे वन से अभी तक मेरे साथ सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए तो एक स्पेशल थैंक यू है और स्पेशल जगह है मेरे दिल में. जस्ट आप लोगों की मोहब्बत और सपोर्ट की वजह से ही मेरा दिल करता है कि मैं व्लॉगिंग कभी ना छोड़ूं. ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोगों की अप्रिसिएशन बहुत मायने रखती है मेरे लिए. खैर सफाई वगैरह सब हो गई है, नेक्स्ट डे हमारी शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई थी. सामान सारा न्यू घर में आ गया था. सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगा है ना, वहां से सारा पैक करना और यहाँ के ये बॉक्सेस खोलना. और जब मैं इनको देख रही थी मैं यही सोच रही थी कि जितना जल्दी ये पैक हो गए थे ना उतना टाइम इनको खोलने में लगेगा, सेट करने में लगेगा. लिटरली मेरी मम्मा को सलाम है, उन्होंने एक टांग पे खड़े होकर सारा काम करवाया है, सारा काम किया है, मैनेज किया है सब कुछ. तो आप उनके लिए स्पेशल दुआ करें, मम्मा के लिए, मेरे बाबा के लिए, मेरी फैमिली के लिए. इफ़ आप लोगों के दिल में मेरे लिए कोई 1% भी अच्छी थॉट आए तो मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ कर लिया करें. माँ बाप से घर जन्नत होता है, अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सेहत वाली ज़िंदगी दे, अच्छी लंबी खुशियों वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन. शिफ्टिंग में एक इंसान के काम करने से कुछ नहीं होता, पूरे घर को मिलके काम करना पड़ता है. जावी तक को हमने कामों में लगा दिया था और सब ने मिल के किया, माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छे से डन हो गया. थकन तो हुई थी लेकिन यकीन करें आप लोग, हम लोगों ने इंजॉय भी बहुत किया है शिफ्टिंग में. खैर अब यहाँ बेड सेट हो रहा है सोने के लिए रात में, और नाइट बल्ब के बगैर मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती तो फिर वो लगवाया मैंने. बिल्कुल अंधेरे में मुझे नींद नहीं आती, थोड़ी सी रोशनी मुझे चाहिए होती है. अच्छा जी, तो ये शिफ्टिंग हुई थी विंटर वेकेशंस में और मुझे शिफ्टिंग के 2 डेज बाद स्कूल जाना था. जाहिर है अभी अलमीरा प्रॉपर सेट नहीं हुई थी तो मैं अबाया वेयर करके आ गई हूँ. सैटरडे आज और बच्चों का तो ऑफ है, बस जो जो काम था वो किया. उसके बाद हम लोगों का सडन प्लान बना कि हम लोग लंच पर चलते हैं. मैंने अपने ऑटो वाले अंकल को कॉल किया और फिर हम एक साथ सब बैठ के उसमें आ गए. अच्छा जी, तो हम लोग आ गए हैं. मुझे लंच की सबसे अच्छी जगह यही लगती है अल्फजर, क्योंकि मुझे यहाँ की बिरयानी बहुत पसंद है. हमारा बैठे बैठे बिल्कुल सडन प्लान बना. उसके बाद मैंने मम्मा से पूछा, देन सब ने अपनी पसंद की जगह सजेस्ट की और मैंने ये किया था. बस फिर हम लोग यहाँ पे आ गए. यहाँ की बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, जस्ट एक बिरयानी की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ. मुझे डे टाइम में ना थोड़ा इन्वायरमेंट यहाँ का अच्छा लगता है तो इसलिए हम लोग यहाँ आ गए. ओके जी, तो हम लोगों का ऑर्डर आ गया था एंड लुक एट द बिरयानी, वाओ.
खाना डन हो गया है और माशाल्लाह से द फूड वॉज सो यमी, सो डिलीशियस। बस अब हम लोग घर जा रहे हैं और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, साथ बातें की, इन्जॉय किया। और लिटरली कभी कभी ना आपको ऐसे लंच डेट, डिनर डेट या आउटिंग्स की ज़रूरत होती है। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा टायर्ड हुई हुई थी तो एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड हो गया। खैर मैं घर आ गई थी और माशाल्लाह से किस्मत देखें आप लोग मेरी, मैं अभी बिरयानी खा के आई हूँ, यहाँ अभी बिरयानी की तैयारियाँ हो रही हैं, बिरयानी बना रही है मम्मा। और वैसे ही एक जो बॉइल्ड राइस वाली होती है ना, तह वाली बिरयानी, वो वाली बन रही है जो मैं भी खा कर आई हूँ। तो आप लोग यकीन करें कि मम्मा की बिरयानी बहुत मज़े की होती है। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मम्मा अपना ही मसाला, अपना ही घर का बना हुआ, अपने हाथ से बना हुआ मसाला यूज़ करती हैं। वो जो पैकेट वाले शान के मसाले होते हैं वो यूज़ नहीं करती, तो लिटरली इतना मज़े का कोई टेस्ट आता है। मम्मा के खाने मम्मा के मैके में भी और ससुराल में भी इतने ज़्यादा फेमस है, इतने ज़्यादा मशहूर है। एक होती है ना घर में खाना बनाने वाली आंटी जो बहुत लाइक हर खाना बहुत मज़े का बनाती है, मम्मा वो हैं। तो मैं तो सोच रही हूँ मम्मा का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करवा दूँ, कुकिंग चैनल बनाते हैं बस, फिर मम्मा रोज़ रोज़ न्यू रेसिपीज़ डालेंगी। ये व्लॉग देखने के बाद मम्मा को पता चलेगा कि उनका यूट्यूब चैनल बन रहा है, वो भी कुकिंग पर। खैर मजाक भी हो गया, व्लॉग भी हो गया, यही था आज का व्लॉग। होप यू लाइक एंड एंजॉय माय व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।